SSCGL के थ्रू एक पोस्ट है SAA यानी कि सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट इन MES डिपार्टमेंट। इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी किसी के पास अवेलेबल नहीं है, और जिन्होंने भी इस डिपार्टमेंट के इस पोस्ट के बारे में सर्च किया होगा यूट्यूब, उनको पता होगा कि इसके ऊपर एक भी वीडियो अवेलेबल नहीं है। तो ये पहली वीडियो होगी जो कि SAA के बारे में एक प्रॉपर जानकारी देने की कोशिश करेगी। तो आप वीडियो को एंड तक देखना और ध्यान से सुनना पूरे वीडियो को। SSCCL 2022 में नियर अबाउट 3000 सीट्स आई हैं SAA की इन MES डिपार्टमेंट, जो कि 2400 ग्रेड पे की है। और इसको वो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा टारगेट करेंगे अपने पोस्ट प्रेफरेंस में, जिनको कंप्यूटर में लो स्कोर आई है और टाइपिंग भी उनका उतना अच्छा नहीं गया है, क्योंकि इसमें इन दोनों की रिक्वायरमेंट्स ऑलमोस्ट ना के बराबर ही है। इसको डिस्कस करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप SSCGL Tier 1 2023 के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, तो फिर आपके लिए चक्षु पब्लिकेशन की ये बुक जिसका नाम SSCGL Tier 1 टारगेट क्रैक एग्ज़ाम है, आपके लिए एक बेहतरीन चॉइस रहेगी, जहाँ पे कि आपको 2500 से ज़्यादा MCQ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 6 प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिल जाएंगे जिसमें कि मैक्सिमम 2022 में आए हुए क्वेश्चंस होंगे, और 25 प्रैक्टिस मॉक्स भी मिलेंगे जो कि रीसेंट पैटर्न्स पे बेस्ड होंगे, TCS पैटर्न पे। नाउ कमिंग बैक टू आवर करंट टॉपिक, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की जॉब प्रोफाइल के बारे में। नाउ ये एक MES डिपार्टमेंट का जॉब है। आपको पता होगा कि MES डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है जो डिफेंस के लिए जितने भी उनके कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं, बिल्डिंग्स बनाना, रोड्स बनाना, या कोई और भी इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो चीज़ें MES डिपार्टमेंट करके देता है, और उनके सारे जो बिलिंग्स पास होते हैं वो CGDA डिपार्टमेंट से पास होते हैं। नाउ ये सारे काम कौन करते हैं, ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सारे काम करते हैं जो लोअर लेवल क्लर्क होते हैं, यानी कि LDC होते हैं। उनका काम क्या होता है, बिल्स बनाना, इन सभी खर्चों के बिल्स बना के वो CGDA से पेमेंट्स लेते हैं, प्रोक्योरमेंट करना। प्रोक्योरमेंट का मतलब हो गया कि जितने भी सामान के रिक्वायरमेंट होते हैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में, कंस्ट्रक्शन की चीज़ों के लिए, उन चीज़ों को फाइलिंग करना, वो भी LDC का ही काम होता है। ना ये LDC और ऑफिसर्स के बीच का जो ब्रिज है, वही है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, और ये इन दोनों को ग्लू की तरह बाइंड करे रखता है, तभी डिपार्टमेंट MES चलती है प्रॉपर तरीके से। अब दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये 2400 ग्रेड पे की जॉब है, तो उसकी सैलरी कितनी बनेगी। तो 2400 ग्रेड पे के हिसाब से, इनके सिटी के हिसाब से, पोस्टिंग के हिसाब से इनकी सैलरी बन जाती है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है कि टाइमिंग्स क्या होंगे वर्क के, इसमें देखो, इसमें मंडे टू फ्राइडे जॉब भी होता है और मंडे टू सैटरडे जॉब भी होता है। जहाँ पे मंडे टू फ्राइडे जॉब होगी वहाँ पे आपको 9:30 से 6 बजे तक काम करना पड़ेगा 5 डेज के लिए, और जहाँ पे मंडे टू सैटरडे जॉब होगी वहाँ पे आपको 9 to 5 करना पड़ेगा 6 डेज के लिए। ये दोनों चलता है, वो डिपार्टमेंट पे डिपेंड करेगा कि आपका पोस्टिंग कहाँ पे हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली 850 के आसपास MES के ऑफिसर्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आपका कहाँ है। नाउ एक नेचर ऑफ वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी जॉब के ऊपर जाने के लिए। देखो, मेरा काम आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना है, डिसाइड करना आपके ऊपर है कि आपकी जॉब चाहते हो करना या नहीं चाहते हो, दैट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन यू। नाउ इसका काम क्या है, सबसे पहला काम है सपोर्ट करना अपने सीनियर्स को, जो ऑफिसर्स उनके ऊपर में होते हैं, विथ डेली क्लरिकल वर्क्स, जो भी क्लरिकल वर्क्स होते हैं उनकी जानकारी पहुंचाना अपने सीनियर्स तक। दूसरा काम होता है इनका मीटिंग्स को प्लान करना डेली बेसिस पे, जो भी मीटिंग्स होते हैं उनके सीनियर के, साथ ही में मिनट्स को तैयार करना, यानी कि एक मीटिंग का क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आउटकम निकल के आया, वो भी फाइलिंग करना SAA का ही जॉब है। हाँ, और एक जो इम्पॉर्टेंट काम है कि डिपार्टमेंट में अगर कोई विजिटिंग होती है बाहर से, तो उनको भी हैंडल करने का काम SAA को ही करना पड़ेगा, और साथ ही में फ़ोन कॉल्स को भी आंसर उनको करना पड़ेगा। अगर किसी दूसरे डिपार्टमेंट से या कहीं से कॉल्स अगर आते हैं, तो SAA का काम है कि उनको अटेंड करेंगे, और फाइलिंग को भी मेंटेन करना पड़ेगा, क्लरिकल हेल्प करते हुए उनको भी देखना पड़ेगा। साथ ही में सीनियर्स के साथ उनको ट्रैवल भी करना पड़ सकता है टाइम टू टाइम, अगर सीनियर्स का ट्रैवलिंग है, और उनके सारे अरेंजमेंट्स भी SAA को ही करने पड़ेंगे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और साथ में अपॉइंटमेंट, अपने सीनियर्स के अपॉइंटमेंट को शेड्यूल करना भी इन्हीं का काम है, SAA का ही काम है। नाउ हर जॉब की एक जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट जो लोग जानना चाहते हैं, वो है कि वर्कलोड कैसा रहता है, क्योंकि ये थोड़ा सा सीनियोरिटी वाला पोस्ट है, बिकॉज ये CGL का पोस्ट है, तो थोड़ा सा आपको इसमें मिडिल टाइप का वर्कलोड देखने को मिलेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा भी एक्सट्रीम नहीं देखने को मिलेगा और बहुत कम भी नहीं, क्योंकि एक बाइंडिंग जॉब है, आपको सभी तरीके के काम को देखना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा स्ट्रेसफुल तो रहेगा। लेकिन आपके लिए एक थोड़ा सा मुश्किल की भी चीज़ है
कि जितने भी एमईएस डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे ऑफिस होते हैं, उसके ऑफिसर इंचार्ज जो है वो हमेशा डिफेंस पर्सनल होते हैं कर्नल ग्रेड के रैंक के। तो वो क्योंकि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, तो वी विल हैव टू मेक श्योर कि यू आर ऑलवेज पंक्चुअल एंड बी डिसिप्लिन्ड इन फ्रंट ऑफ देम, अदरवाइज वो तुम लोग को मतलब कि एनी टाइम डांट सकते हैं उनके पास। इफ़ यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड तो आपको फिर झाड़ देंगे और फिर आपको बहुत ज़्यादा सुनना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। सो हाँ, और एक चीज़ अब इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसते हो तो फिर वो सीनियर्स आपकी हेल्प भी करेंगे अगर आप उनसे एक अच्छा बॉन्डिंग मेंटेन करके रखते हो। तो एक और चीज़ जो एमएस डिपार्टमेंट को लेके लोग जानना चाहते हैं कि कैंटीन कार्ड की सुविधा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कैंटीन कार्ड की सुविधा मिलेगी, आपको भी मिलेगी, आपको ड्यूटी फ्री चीज़ें मिल जाएंगी कम रेट पे, आपको फ्री में ड्यूटी फ्री चीज़ें मिलेंगी कम रेट पे, और ये एक फ़ायदा बेनिफिट है, आपके सेविंग्स अच्छा खासा इसमें इंक्रीमेंट हो जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रमोशंस, सी मैंने जितनी जानकारी इकट्ठा की, मुझे प्रमोशंस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई कि इससे आगे प्रमोशंस में क्या क्या हो सकता है, बट एक बेसिक एसएससी कि जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उसके ट्रेंड को अगर फॉलो किया जाए तो आप समझ जाओ कि 5 साल के बाद आप डिपार्टमेंटल जॉब एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई तो कर ही जाओगे और 7-8 साल या 9 साल में आपकी कोई ना कोई प्रमोशन निकल के आ जाएगी। कौन से पोस्ट पर आपकी प्रमोशन होगी ये बता पाना अभी थोड़ा मुश्किल है कि वो कितने ग्रेड पे तक जाएगी और मैक्सिमम कितना जाया जा सकता है, क्योंकि इसकी जानकारी निकालना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, लेकिन स्टिल मैंने मैनेज किया कहीं ना कहीं से। तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप ऐसी जानकारी मेरे से चाहते हो, अपनी मेहनत को अगर सपोर्ट करते हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि शायद इसके ऊपर मैं वीडियो अभी तक किसी भी क्रिएटर ने नहीं बनाई है। और बीइंग अ स्मॉल क्रिएटर, मैं जानता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को देख लेते हो मगर सब्सक्राइब नहीं करते हो, बट आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग कि सब्सक्राइब हमेशा स्मॉल क्रिएटर को किया करो, क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट होती है आपके सपोर्ट की। बड़े क्रिएटर्स तो शायद पेड क्लासेस में बिजी होते हैं तो उनके पास उतना टाइम नहीं होता है और वो आपको वो चीज़ें एक्चुअल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे जो आपको छोटे क्रिएटर्स प्रोवाइड कर देंगे। तो छोटे क्रिएटर्स को सपोर्ट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। दैट्स ऑल आई वांट टू से। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय।